हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, शाम के 4:30 बजे हैं और मैं एक ये टोकरी लेकर के अपने गार्डन में आ गई हूँ। इस विद्यालय से आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम किया, हल्की सी नींद ली, चाय नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। अब देखभाल करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब सबकी बारिश होते रहती है। सुबह हुई, दोपहर में हुई, थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश होती है, तो कुछ ज्यादा काम बढ़ नहीं पा रहा है गार्डन का। तो चलिए चलते हैं, कुछ आज हमें गार्डन से लेना है, तो उसके लेने के लिए ही मैंने ये टोकरी ले रखी है। मुझे आज बथुआ तोड़ना है, तो उसे तोड़ने में जा रही हूँ। और बहुत सारे फूल निकले थे लेकिन मेरे पास समय नहीं था। आज 10 ही फूल निकले थे लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं तोड़ करके उनको बना। ये देखिए, छोटे छोटे कद्दू लगते हैं और पता नहीं क्यों ये सड़ करके गिर जाते हैं। कुछ रीजन इनका समझ ही नहीं पाते हैं, या तो ये पर्याप्त धूप नहीं पा रहे हैं, बाकी तो सब अच्छा है, हरियाली है, लेकिन ये कद्दू लगते हैं, लगने के बाद में सड़ करके गिर जाते हैं। आज बहुत सारे फूल निकले थे और छोटे छोटे कद्दू निकलते हैं, उनके ऊपर जो फूल बनते हैं वही कद्दू रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाई इनकी समझ में नहीं आ रहा। समय हमारी जो बढ़ है बंधती हैं और गिर जाती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इधर 3-4 कद्दू लगे हुए हैं लेकिन पता नहीं ये रुक पाएंगे कि ये भी झड़ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। दोस्तों आज मैं ये फिर से ये बथुए वाला साग तोड़ने के इरादे, ये देखिए कितना बढ़िया ये दूसरा वाला बथुआ का पेड़ है। आज मैं इससे थोड़ी सी बथुआ तोड़ूंगी और मुझे किसी को देना है। किसी ने हमसे कहा है बथुआ तोड़ के दो, तो फिर उसके लिए मैं आ गई। मैंने सोचा चलिए वीडियो भी बना लेंगे, आप लोगों के भी साथ शेयर कर लेंगे, आप लोग भी देख लें, एक पौधा लगा दें बस। बहुत जो है इंजॉय करते रहें। देखिए कितना अच्छा और नरम नरम, बिल्कुल हरा भरा और बढ़िया, पूरे विटामिन से भरपूर है ये। इसमें बहुत ही ताकत रहती, बहुत ही आयरन रहता है इसमें, और स्वाद तो भी बहुत ही गजब का है। तो देखिए इतना सारा मैंने इससे ले लिया है और मैं इसको जो है ज्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ, खूब मुलायम मुलायम रहता है तभी ही तोड़ लेते हैं। इसमें जब तोड़ा था आप लोगों के साथ तब शेयर किया था, अभी देखो फिर तोड़ रहे हैं और कैसा बढ़िया जो है पौधा भी हमारा बिल्कुल घना घना होता जा रहा है, और नई नई जो शूट्स आती हैं वही तोड़ करके ले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ये बढ़िया है, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, स्वाद से भरपूर और सेहत का खजाना है ये। तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको धीरे धीरे, तब फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए इतना मतलब भर को मैंने तोड़ लिया है, बाकी का कल तोड़ूंगी, क्योंकि रखने से कोई फायदा नहीं है। ताजा ताजा तोड़ो और ताजा ताजा खाओ। ये मैंने अपने प्रियजनों को देने के लिए तोड़ रखा है, अभी अपने लिए मैं कल तोड़ूंगी। तो देखिए कितनी, जैसे मार्केट से जो ठंडक के सीजन में बथुआ आती है, क्या उससे ये कम है? आप लोग बताएं कि क्या उससे ये कम है? इसी तरह की तो ठंडक में जो बथुआ आती है। तो दोस्तों आज तनिक अपने करेले के हाल चाल ले लें। 1-2 दिन से बारिश हो रही थी तो मैं इधर आ नहीं पाई और इन लोगों से थोड़ा मुलाकात मेरी कम हो पाई है। तो ये देखिए अब करेले लगने लगे हैं और कितनी खुशी हो रही है देख देख करके। चारों तरफ करेले खूब सारे लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे भी करेले, हरे हरे पत्तियां रहती हैं और हरे हरे करेले रहते हैं, तो ये जो है इसी में छुपे रहते हैं, इनको खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये देखिए दो इधर लगे हुए हैं और ये देखिए छोटे छोटे ये करेले। अब एक वो देखिए, 2-3-4 उधर लगे हुए हैं। अभी इन करेलों से मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है कि जो लगाया है वो हो गया है। मैंने घूम घूम करके देख रखा है तो अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अब 2-4-6 दिन में जो है मुझे करेली की भी
हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी, चार छह मिलेंगे बस वही हमारे लिए बहुत है। ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे की साइड में भी हैं, ये देखिए जमीन से भी लगे हुए हैं। तो अभी इनका जो है सपोर्ट और देना होगा हमको। इस ब्रांच में कई करेले लगे हुए हैं। अब सभी की देखभाल जरूरी रहती है कि किसकी क्या प्रगति है, किसी को रोग लग रहा है तो किसी को कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो सब चीज देख देख करके सब काम करने। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने कुछ को लगता कोई बीज डाल दिए थे, अब ये पता नहीं लौकी है तुरई है क्या है, वो भी जर्मिनेट हो गई है। और ये हमारे बैंगन, अभी बैंगन के तो मुझे एक एक पत्ते चेक करने पड़ते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। अरे वाह, ये देखिए छोटा सा वाइट वाइट बैंगन भी लगा है, लेकिन अभी हम इसको तोड़ देंगे। तोड़ इसलिए देंगे कि ये पहला फल है और उसको मैंने दिया फेंक। अब जो लगेंगे उन फलों को मैं उपयोग में लाऊंगी। इस बैंगन को हमने किस तरह से बचाया है तपती गर्मी में सब आप लोगों से शेयर किया है, कितने ना मालूम इस पर फर्टिलाइजरों का प्रयोग किया है। किसी दिन लहसुन है तो किसी दिन लहसुन मिर्ची का पेस्ट है तो किसी दिन कोई केमिकल है, क्योंकि इतने कीड़े लग गए थे। मैं भी पीछे पड़ी थी कि तुमको अपने गार्डन से मैं जाने नहीं दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने छोटे छोटे मैंने कई सारे बीज डाले थे सहजन के, कई दाने डाले थे, हमको लगता जितने दाने मैंने उगाए थे सब उगाए हैं, कुछ जो है ये देखिए कोई भी नहीं बचा। ये तो सब एक दो तीन चार पाँच छः जितने मैंने डाले थे उतने सारे बीज निकल आए। और ये एक ये देखिए मैंने जो पौधा लगाया था वो बेचारा देखिए बिल्कुल कुपोषित सा बना है, लेकिन ये जो मैंने बीज डाले थे सारे कितने बढ़िया हो गए हैं, मन बहुत खुश हो गया है। अब आगे से इनको थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो जहाँ लगाना है उन्हें वहाँ पहुँचा दूंगी, क्योंकि छः छः पौधे एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। धीरे जो है से जब तो बारिश भी जो हमको धूप की भी जरूरत होती है, धूप अभी नहीं मिल कम रही है। अब जैसे जैसे जो है धूप होगी तो इनका विकास होता रहेगा। इसमें मैंने इस कट्टे में सब भर के कचरा कुचरा मैंने उगाई थी अदरक, तो अब बड़ी स्लो ग्रोथ होती है अदरक की, ऐसा मैंने ये सब करके देखा है। तो ये देखिए एक साइड में ये अदरक जो है निकल रही है, वो हमारी जो है हल्दी है, हल्दी ने तो अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, लेकिन ये जो है अदरक जो है, अदरक अभी धीरे धीरे चल रही है। इस बैंगन में भी फ्लावर आने लगे हैं, ये पहले के फ्लावर हैं तो इनको निकाल देंगे। पहले जो फ्लावर आते हैं तो उनको एक दो फल और फूल सब हटा दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है पौधा अच्छी ग्रोथ ले लेता, नहीं तो फिर पता चलता है ना कि पौधा जो है उसी में ही सिमट करके रह जाता है। तो कद्दू में बहुत सारे फल आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, एक एक, एक जगह चार चार पांच पांच फल आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं ऐसा कौन सा जीव आता है या कोई डंक मार देता है। तो जो है कुछ एक भी कद्दू अभी तक मैंने तोड़ा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पौधे बहुत सारे निकलते रहते हैं। अब देखिए ये तरोई जो है नीचे से अपना निवास छोड़ करके ये छत की तरफ बढ़ते जा रही है, जाने तो जा रही है, तो मानसून सीजन के गर्मी वाले नहीं थे, तो अब धीरे धीरे इनमें भी छोटी छोटी तरोइयां लगने लगी हैं। लोग तरोई को घिया बोलते हैं, ये देखिए अभी मैंने देखा है, ये देखिए ये तरोई लगने लगी है, अच्छी बात है, देख करके प्रसन्नता होती है। ऐसे पौधे में जो अपने हाथ से लगाया हुआ है उसमें फल लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इधर सब हमारा ये किचन वेस्ट का कबाड़ रखा हुआ है, और अब कल संडे है, बहुत सारा काम गार्डन पर करना है। मौसम सही रहा तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा, नहीं मौसम सही रहा तो फिर भगवान भरोसे जो हो पाएगा वही हो पाएगा। इस पत्तियों को आप लोग पहचानते होंगे, ये जिमीकंद का पौधा है, पिछले साल मैंने निकाला था जिमीकंद, तो निकला था किलो डेढ़ किलो तक निकला था, उसी में जो कुछ भी बचा रह गया था उसी से मैंने बुवाई दोबारा से नहीं की थी, उसी में से जो कुछ भी छोटे छोटे पीसेज उसके बच्चे रह गए होंगे, जो जड़े रह गए होंगे, उसी से ये पौधा तैयार हो गया। हमें लेना नहीं पड़ा था, लेकिन अब हो सकता है इस साल भी ना लेना पड़े, थोड़ा बहुत निकालेंगे जरूर, क्योंकि जो है जिमीकंद जो है दीपावली में इसकी जरूरत पड़ती है, तब हमको अपने गार्डन से ही मिल जाता है। और दोस्तों सब चारों तरफ कुछ नहीं है तो कम से कम हमारे गार्डन में हरियाली तो है।
दोस्तों ये देखिए, ये वाला साग भी बिल्कुल तोड़ने वाला हो गया है। इसको जो है हम लोग, कुछ लोग चाइनीज पालक बोलते हैं और मास्टर भाजी जो कुछ भी बोला जाता है, ये तोड़ने वाली थी मैं, लेकिन अब इसे आज नहीं तोड़ूंगी, इसको कल तोड़ूंगी, क्योंकि रखने से कोई फायदा नहीं। सब ताजा ताजा खाना चाहिए, जब अपने गार्डन में है तो सब ताजा ताजा खाना चाहिए, और अपनी सेहत का खजाना अपने गार्डन से निकालना चाहिए। हमारा गार्डन बहुत हरा भरा है, अभी इतने समय तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरियाली ही देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। अब क्या बताएं, जो लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनको कहाँ से इतना बड़ा सुख देखने को मिलता होगा। ये हमारा चंपा का पौधा है, इसको मैंने दे दिया है, अपने प्रियजन को दे दिया है। अब ये जिस दिन चला जाए, ये कल हो सकता है कल ये हमारे गार्डन से चला जाएगा। जाने वाला आज ही था लेकिन आज नहीं गया, अब ये कल जाएगा। तो दोस्तों सबको देखना जरूरी रहता है कहाँ क्या है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ियाँ आ जाएंगी, तो फिर उनको दूर करने में कठिनाई होगी। तो शुरुआत में ही सुधार हो जाए, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ये साग कौन कौन लोग खाए हैं यदि हमारा वीडियो देखेंगे तो कमेंट में बताएंगे जरूर। तो अब मिलती हूँ मैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगली चीज़ के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।